जय हिंद दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 500 का टेस्ट चलाए हुए हैं, तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि अब तक में हम टेस्ट सीरीज का चौथा सीरीज पूरा कर चुके हैं, तो आज चलिए पांचवा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोग, पांचवा टेस्ट शीट का जो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा बहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। यानी हम लोग रिवाइवल फ्यूज से अगर 32 एम्पीयर की धारा रेटिंग केबल निकालना है तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो देखिए, रिवाइवल फ्यूज का जो है ना धारा रेटिंग होता है 1.4। जब आप इसको 32 एम्पियर को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका ये 22.4 निकलेगा, जो कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी अप्रॉक्स 26 एम्पियर के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। देखिए, SWG का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो इससे हम तार का आकार मापते हैं। तो तार के आकार को मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं, और इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 36। 0 से 36 में ये बटा हुआ रहता है, सो 0 से ले, उसमें मार्किंग होता है 0 से 36 तक। ये ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार डी जो है ना सेकंड का सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप लोग को फिगर दिख पा रहा होगा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इस तार जोड़ का क्या नाम है। जो इस तार का जोड़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये गांठ बना हुआ है, यहाँ पे जो जो गोल घेरा लगाए हुए हैं ये गांठ बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नोटेड टैप जोड़। इस जोड़ का नाम है नोटेड टैप जोड़। आप इसको कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए गांठ बना हुआ है, तो इस जोड़ का नाम है नोटेड टैप जोड़। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए, कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहा के लिए, यानी कि GI लोहा है, उसके लिए हम कौन सा सोल्डरिंग प्लग का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगर मात्रा उत्पादन यानी क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क के लिए, तो हम कौन सा सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। नेक्स्ट चलिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन की जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, जैसा कि छठा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। ये एक्स से इंगित भाग का नाम आप लोग को बताना है कि एक्स से इंगित ये एक्स कौन सा भाग है। ऐसे भी हम लोग आप लोग को केबल के प्रकार बता चुके हैं, केबल का कंस्ट्रक्शन,
तो उसमें बता चुके हैं कि उसके सीक्वेंस को बताएं कि केबल के सीक्वेंस क्या होते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे छठा नंबर, तो इस सीक्वेंस जो है ना छठा का एक होता है ये बीडिंग होता है, यानी पहला आपका होता है कोर, कोर के बाद जो है दूसरे लेयर पे आता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद आपका आता है ये देखिए बीडिंग, वही तीसरे स्थान पे ये बीडिंग है, तब लोग हम लोग क्या कर सॉरी तीसरे स्थान पे मेटालिक सीट होता है तब हम लोग बीड बिछाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं ये है आपका बीडिंग जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है छठा का। नेक्स्ट देखिएगा सातवा नंबर क्या है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एल पी का एक्स एल पी ई का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म एक्स एल पी ई का, तो एक्स एल पी ई का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड, देखिए यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन होता है, आप कंफ्यूज ना करें, क्रॉस लिंक्ड है जबकि यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल में हम लोग क्या करते हैं कि सर्विंग सर्विंग लेयर का सर्विंग परत का क्या उपयोग है, अंडरग्राउंड केबल में हम सर्विंग क्यों करते हैं, इसका क्या कह रहा है कि इसका क्या उपयोग है, अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सर्विंग क्या करता है, हम लोग ये अंतिम से चलेंगे तो ये अंतिम के पहले वाला ये सर्विंग होता है, क्लियर है। तो सर्विंग हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बताना है। तो जैसे कि इसका पता है कि आपको सर्विंग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सर्विंग हम लोग करते हैं प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, यानी कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यानी हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं आर्मरिंग को क्या कर देते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी सही है एट नंबर का। नेक्स्ट चलिए एट नंबर के बाद आप नाइन नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, नाइन नंबर जैसा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि नाइन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। जैसा कि आप फिगर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है ना अंडरग्राउंड में दो प्रकार का टेस्ट करते हैं, ठीक है, लूप टेस्ट के अंतर्गत हम दो प्रकार का टेस्ट करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और दूसरा ग्राउंड टेस्ट करते हैं। तो ये आपको पूछ रहा है ये किस प्रकार का टेस्ट है ये फिगर, तो ये फिगर आपका जो है ना ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट चलिएगा दस नंबर क्वेश्चन कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन संयंत्रों में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हवा में रैक जहाँ उत्पादन होता है ना, तो उत्पादन संयंत्र में हवा में रैक के थ्रू हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं केबल को बिछाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए हम लोग ग्यारह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तांबा के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो तांबे के परमाणु में आबंध चक्र में जो है ना इलेक्ट्रॉन होता है वन, जो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, अगर कोई भी लैंप है अगर उसमें विद्युत धारा का प्रभाव देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, नियन लैंप है तो नियन लैंप में क्या होगा, गैस आयनीकरण प्रभाव को हमको देखने को मिलेगा, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है 12 नंबर। नेक्स्ट चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, ये इंसुलेशन रेसिस्टेंस का क्या कह रहा है कि इकाई क्या होगा, तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस कुचालक प्रतिरोध का इकाई हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, मेगा ओम में मापते हैं, कुचालक पर
कुचालक प्रतिरोध है, आप प्रतिरोध नहीं है, कुचालक प्रतिरोध है, इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण के बारे में पूछ रहा है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं रिवाइवल फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, जिसको हम लोग कहते हैं किट कैट फ्यूज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग करते हैं, लाइन में चालक की देखिए लंबाई को बढ़ाना है, गौर कीजिएगा, तो हम किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं, तो हम आप लोग को बताए हैं कि अगर सिरोपरि लाइन में अगर चालक की लंबाई बढ़ाना है तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम लोग उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम चालकों को शोल्डर करने हेतु किस प्रकार के शोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखिए एल्युमिनियम चालक को अब शोल्डर करने के लिए हम किस प्रकार का शोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं, तो शोल्डरिंग फ्लक्स का जो हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं केर एल लाइट का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। तो चलिए आज के सीरीज जो मेरा 5वां सीरीज है जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखेंगे 6ठे सीरीज को। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, ताकि आपका दोस्त या मित्र जो आने वाले मार्च में जो सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का होने वाला है उसमें वो पास हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।